mayhem. Grammatical profile of the word is noun. And the meaning is what? Violent chaos or disorder. That is called mayhem. Hinsa ya avyavastha. Isi ke liye sare shabd aate hain. Chaos, havoc, disorder. Aur main kuch aur likh doon to yahan pe aapke paas shabd aata hai. Commotion. Commotion. Then we have words like upheaval. Utha patak hai puri. Upheaval, commotion. Ek aur pyara sa shabd aata hai. Pandemonium. Pandemonium. Right? तो पैंडेमोनियम का मतलब होता है कंप्लीटली कैओटिक सिचुएशन, जहां पे डेमो रूट वर्ड है, पैन प्रीफिक्स हो गया, डेमो का मतलब पीपल होता है, तो हर तरफ लोगों में भगदड़ है। और भगदड़ से एक और शब्द ध्यान में आ रहा है, जरूर सुना होगा आपने, स्टैम्पीड। खास तौर पे धार्मिक स्थलों पे जब भगदड़ होती है तो बहुत सुनने में आपको याद आता है स्टैम्पीड, भगदड़। पीस, काम एंड ऑर्डर, ये क्या हो गया, ये इसके ऑपोजिट हो गया, जहां शांति है। अगला शब्द है स्पेक्टेटर। अगर बात की जाए रूट वर्ड की तो आपको पता है स्पेक्ट है, इसका मतलब होता है देखना, टू सी, ठीक है। और यहीं से भर भर के शब्द आते हैं, इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, राइट। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्टेटर दर्शक, पीपल हु वॉच एन इवेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स गैदर टू वॉच द एयर शो, ऑन लुकर्स, व्यूअर्स, ऑडियंस, पार्टिसिपेंट्स, परफॉर्मर्स, इसका एंटोनिम हो गया, क्योंकि ये एक तरह से परफॉर्म करने वाले और ये देखने वाले हैं। अगला शब्द है सोलेक्शियम, नाउन है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन, कॉम्पनसेशन फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस आर लॉस, तो जो सांत्वना या मुआवजा मिलता है। The government announced a solution for the families of the victims. Solace का मतलब ही होता है किसी को सांत्वना देना, शांति देना, right? तो वहीं से निकला हुआ शब्द है ये, noun हो गया, compensation, reparation, redress, right? ये reparation शब्द देख करके शशि थरूर साहब की याद आती है, उन्होंने एक भाषण में ये कहा था, बहुत वायरल भी हुआ था, कि जो ब्रिटिशर्स हैं, they owe reparations to us, यानी उनको बहुत compensate हमें करना है, हमें बहुत लूटा है, तो रेपरेशन वही होता है, कॉम्पनसेशन, रेपरेशन, रिड्रेस करना किसी चीज को। रिड्रेस तो खैर एक जेनेरिक शब्द है, उसका डायरेक्ट मतलब नहीं है, थोड़ा दूर का सिनोनिम है, जबकि पेनल्टी या पनिशमेंट एक तरह से इसके ऑपोजिट हो गए। अगला शब्द है अजर्शन, नाउन है, बेसिक शब्द है, आज के वोके वर्ड्स आपको मुश्किल ही दिखेंगे। अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ, दावा या कथन, असर्ट जो है वो वर्ब है, असर्शन नाउन हो गया। हिज असर्शन दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर वाज मेट विद स्केप्टिसिज्म, यानी उसका ये कहना, जो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से कोई बात कही, फोर्सफुल तरीके से कही कि भाई वो जिम्मेदार नहीं है फॉर द फेलियर, वाज मेट विद स्केप्टिसिज्म, इसका क्या मतलब कि उस बात पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को लेके स्केप्टिक हैं, इसका मतलब आप डाउटफुल हैं। डिक्लेरेशन, क्लेम, स्टेटमेंट, ये इसके सिनोनिम है। डिनायल, रेफ्यूटेशन या क्वेश्चनिंग, एंटोनिम हो गए, आसान से शब्द है, रेफ्यूट करना, डिनाई करना। ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आरएनए कॉपी फ्रॉम अ डीएनए सीक्वेंस, लिप्यांतरण, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन इज अ क्रिटिकल स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन, कॉपी करना, रिकॉर्ड करना, डुप्लीकेट करना, और स्क्रिप्ट लिखना होता है, ठीक है। ये सारा, ये दोनों जो रूट वर्ड हैं, स्क्रिप्ट हो या स्क्राइब हो, ये वर्ड्स अगर कहीं पे भी आते हैं तो इसका लेना देना लिखने से संबंधित है, ठीक है। वर्ड्स आपके पास बहुत से आते हैं यहाँ से, अब प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन, ये प्रेस्क्रिप्शन है, और इसी से बनने वाला वर्ब क्या हो गया, प्रेस्क्राइब, डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब किया है। वहीं पे आप देखें तो जो डॉक्टर मना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब करना, परहेज, राइट। फिर इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, देन यू हैव डिस्क्राइब, सरकमस्क्राइब, एक आउटर लाइन खींचना, सरकमस्क्राइब, यहीं से स्क्रिप्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारे के सारे शब्द यहीं से प्रकट हुए हैं, लिखने से ही, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन, कॉपी करना, रिकॉर्ड करना, डुप्लीकेट करना, इरेजर, डिलीशन, एक तरह से उसको खत्म करना है, क्योंकि ये शब्द लिखने के लिए है। अगला शब्द है डिसरेगुलेटेड, एडजेक्टिव है, डिसरप्शन इन द नॉर्मल रेगुलेशन और फंक्शन, अनियमित है अगर कोई चीज। डिसरेगुलेटेड माइक्रो आरएनएस कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर, डिसरप्टेड, मिसरेगुलेटेड, इंबैलेंस्ड, इसके सिनोनिम वही रेगुलेटेड, यहां पे अगर इंबैलेंस्ड है तो रेगुलेटेड, बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड इसके ऑपोजिट हो गए, आसान सा शब्द। अगला शब्द है प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, एडजेक्टिव। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बेस वर्ड्स लिखिए और ग्रामेटिकल डेरिवेटिव्स, तो क्या होगा, प्रोलिफरेट करना इज व्हाट, प्रोलिफरेट वर्ब है, प्रोलिफरेशन क्या है, प्रोलिफरेशन है इसका नाउन, ठीक है, और प्रोलिफरेटिव जो शब्द है दैट बिकम्स व्हाट, एडजेक्टिव। तो जो चीज रैपिड ग्रोथ से संबंधित हो, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स या रैपिड ग्रोथ, जैसे जब कैंसर होता है तो हम क्या कहते हैं, कैंसर इज नथिंग बट व्हाट, proliferation of cells, right? और definitely वो cells जो हैं वो malignant cells हैं, तो उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा होता है, तो
तो कैंसर सेल्स ऑफन शो प्रोलिफरेटिव बिहेवियर ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली, बहुत तेजी से वो बढ़ते हैं, एक्सपेंसिव, मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग, ये इसके सिनोनिम हो गए। जबकि डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, आप जानते हैं श्रिंक, रिड्यूस, ये इसके एंटोनिम है। अगला शब्द है बायोमार्कर्स, नाउन, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस और प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, जीव शिकाएं जो रोग की पहचान में मदद करती हैं। क्या शुद्ध हिंदी आ गई, नहीं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इन तरह के शब्दों का मतलब अगर पहले से ना पता हो तो भी आप निकालने के काबिल तो है, अगर आप मेरे साथ इन सेशंस में जुड़े हुए हैं लंबे समय से तो आसान है, मतलब रूट वर्ड बायोमार्कर्स समझ ही आ रहा है कि कुछ ना कुछ बायोलॉजी से जुड़ा होगा और मार्कर है तो वो इंडिकेटर है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज टू मेजर द प्रेजेंस और प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, सर्टेन बायोमार्कर्स आर यूज टू डायग्नोस कैंसर एट अर्ली स्टेजेस, इंडिकेटर्स, साइंस, वही कि भाई अगर शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब कि इस तरह की डिजीज है। अभी डॉक्टर सरीन साहब जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे यू नो पॉडकास्ट और सेशंस करे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई गर्दन आपकी ऐसी हो रही है, इतनी मोटाई उसकी बढ़ गई, या यहाँ पे ब्लैक लाइन्स आ रही हैं गर्दन पे, तो इसका मतलब लीवर की प्रॉब्लम आपकी शुरू हो रही है, नेल्स हैं, तो देयर लॉट्स ऑफ, इसी को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड बायोमार्कर्स, कि भाई शरीर अपने सिम्टम देने शुरू कर देता है कि भाई कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर तो गड़बड़ हो रहा है। तो इंडिकेटर साइंस मेजर्स एंड नॉन इंडिकेटर्स नो साइंस, डेफिनेटली ऑपोजिट हो गए। अगला शब्द है हेटेरोडॉक्स, एडजेक्टिव है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑर्थोडॉक्स। तो गोइंग अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड और एक्सेप्टेड बिलीव्स आर स्टैंडर्ड, प्रचलित मान्यताओं के विपरीत जाने वाले को हेटेरोडॉक्स बोलोगे आप। हिज हेटेरोडॉक्स व्यूज ऑन रिलीजन ऑफन स्पार्क कंट्रोवर्सी, अनऑर्थोडॉक्स, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, हेरेटिकल, राइट, ये इसका सिनोनिम हो गए। जबकि ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, अब ऑर्थोडॉक्स सबसे तो बचपन से आप परिचित हैं, जो अपने एस्टैब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम के साथ बिल्कुल जकड़ के रहे वो क्या है, वो ऑर्थोडॉक्स है। तो अनऑर्थोडॉक्स, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, इसके लिए और भी बड़ा प्यारा प्यारा शब्द आता है। देखो कौन का मतलब टुगेदर, फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर, तो जो कन्फॉर्मिस्ट है वो स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल अडेयर करता है, फॉलो करता है, उसके साथ बैठ जाता है, तो वो कन्फॉर्मिस्ट है। जबकि नॉन कन्फॉर्मिस्ट वो है जो उस फॉर्म, उस स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े करे, राइट। तो सवाल खड़े करने से एक शब्द और आइकोनोक्लास्ट आता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जो आइकन्स पे सवाल खड़े करे। या आप बात करो तो हमारे पास एक शब्द और आता है मैवरिक, ही इज अ मैवरिक गाय, मैवरिक फिल्म मेकर, तो यानी जो फॉर्मूला पे काम ना करे, स्टीरियोटाइप काम ना करे, जैसा सभी लोग पहले से करते आ रहे थे वैसा ही ना करे, कुछ अलग करे, तो उसको क्या कहते हो, मैवरिक, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट वर्ब है, मीनिंग टू थिंक डीपली और कंसीडर केयरफुली, जब आप किसी चीज के बारे में गहराई से विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉन्टेम्पलेट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, मनन चिंतन करना। शी सैट बाई द विंडो टू कॉन्टेम्पलेट हर नेक्स्ट करियर मूव, तो विंडो के बगल में बैठ करके वो मनन चिंतन कर रही है कि उसका अगला करियर मूव क्या होना चाहिए। पॉन्डर करना, रिफ्लेक्ट, कंसिडर, इग्नोर, डिसरिगार्ड, ओवरलुक, इसके ऑपोजिट हो गए। पॉन्डर के साथ ओवर की जोड़ी बनती है, ये कॉलोकेशन भी ध्यान रखें आप। कॉलोकेशन का मतलब होता है दो शब्दों का समूह जो एक साथ आए, और इसके साथ एक और शब्द आता है पैंडर। तो पॉन्डर और पैंडर ये दोनों कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं, क्या होता है पैंडर का मतलब ये आप बताएंगे, कॉमेंट में लिखिएगा बाद में। और इसको करने वाले व्यक्ति को पैंडरर कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड कॉमन नाउन बन गया।